Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I'm Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 28th of September 2024. Without getting delay, let's get started. हमारी आज की पहली न्यूज क्या कहती है? It's regarding air pollution. SC reps air quality panel over failure to curb Delhi's pollution. Basically, हम सब जानते हैं जब विंटर की स्टार्टिंग होने वाली होती है उस मंथ में हमारे जो न्यूज़पेपर्स रहते हैं, एडिटोरियल हो गए, न्यूज़ेस हो गए, भर भर के एयर पोल्यूशन के बारे में बताते हैं। सो इसको एक बार हम पूरा डेप्थ में समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या चीज। एयर पोल्यूशन नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ विंटर्स। होता क्या है, इसके पीछे कई सारे रीजंस है। जैसे कि जो विंटर की स्टार्टिंग के पहले जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो रबी क्रॉप्स लगाने वाले रहते हैं, तो रबी क्रॉप्स के लिए उनको जो खरीफ क्रॉप्स उन्होंने लगाई रहती है, फॉर एग्जांपल पैडी के बाद जब उसकी कटाई हो जाती है तो वहां पर स्टबल्स रह जाते हैं। स्टबल्स मतलब कि पराली। उस पराली को फार्मर्स क्या करते हैं, जला देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग। और भी कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें नॉर्दर्न इंडिया मेजरली जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली स्पेशली, वहां पर एयर पोल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आता है। एयर पोल्यूशन ना सिर्फ हमारे हेल्थ हैजार्ड के लिए एक मेजर वो है, मेजर कॉज है, बल्कि एयर पोल्यूशन से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इम्पेक्ट होती हैं। ह्यूमन हेल्थ तो इम्पैक्ट होती ही होती है, एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। सो इन सब चीजों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और उसके थ्रू एक कमीशन बनाया, दैट इज कॉल्ड कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि जो गैंगेटिक प्लेन्स है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा नोन है। सो कहीं ना कहीं मेजरली 40% जो एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली में इस टाइम पर या नॉर्दर्न एरियाज में, उसका मेजर रीजन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ही है। उसे हम धीरे धीरे समझेंगे, पहले इस चीज को समझते हैं। CAQM बनाया गया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसे हमने बनाया इसके पहले एक कमीशन काम करता था जिसे बोला जाता था एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। बेसिकली जो ये एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है, इसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू बनाया गया था। सो कई बार इसके कुछ यू कह सकते हैं ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके पास कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी, तो होता क्या था, इसके ऑर्डर्स को उतने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। सेकेंड थिंग, एग्जीक्यूटिव्स का इसमें रोल नहीं था। थर्ड थिंग, जो भी ये डायरेक्शन इशू करता था सिर्फ उन चीजों को एज अ डायरेक्शन रखा जाता था, वो मैंडेटरी किसी के भी ऊपर अप्लाई नहीं करते थे। साथ के साथ जैसे एयर पॉल्यूशन को अगर कर्व करना है तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका एक साथ आना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी स्टेट्स इन्वॉल्व है, जैसे कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन सारे स्टेट्स के स्टेक होल्डर साथ में आए, साथ में सॉल्यूशन सजेस्ट करें, उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए, तब जाकर प्रॉपर स्ट्रेटजी बनेगी पॉल्यूशन को कर्व करने की। बट जब ये वाली इंस्टीट्यूशन काम करती थी एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन कम होता हुआ नजर आया। इसलिए हमने एक नई कमीशन बनाई जिसे बोला जाता है CAQM। इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड की गई, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेट करने की बात की गई ताकि सब एक साथ मिलकर वर्क करें और दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने की बात करें। अब कुछ रीजंस बता, पहली चीज मैंने डिस्कस कर ली कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। सेकेंड थिंग, कंसोलिडेटेड अप्रोच। कंसोलिडेटेड अप्रोच मतलब कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करें। थर्ड इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं CAQM में एग्जीक्यूटिव्स का भी रोल रहता है, जो पर्संस रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। सो अगर वो एक्शंस उठाएंगे तो यहाँ पे डेमोक्रेसी भी नजर आएगी। रीजन क्या है हमारा CAQM बनाने का, वो ये है कि पहला स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, साथ के साथ डेमोक्रेसी को भी हमें एम्फेसाइज करना।
कुछ रीजंस हैं कि पहले डिस्कस करते हैं कि दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में या यूं कह लो नॉर्दर्न इंडिया वाले रीजन में हमें पॉल्यूशन क्यों बढ़ता हुआ नजर आता है। फर्स्ट इज स्टबल बर्निंग, एक एजेंसी है, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, दैट इज नोन एज सफर। सफर ने ऐसा बताया है कि 2021 से लेकर 2023-24 तक में जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो विंटर के टाइम पर पॉल्यूशन होता है, उसके पीछे 40% रीजन रिस्पॉन्सिबल है स्टबल बर्निंग। मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो नॉर्दर्न इंडिया है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पर जून जुलाई से लेकर के नवंबर तक, या यूं कह ले अक्टूबर नवंबर तक का पीरियड जो रहता है, ये खरीफ क्रॉप का रहता है। इस दौरान वहाँ के फार्मर्स खरीफ क्रॉप उगाते हैं और फिर उसकी कटाई बुआई कर लेते हैं। देन क्या होता है, वहाँ पे पराली रह जाती है, उस पराली को फार्मर्स क्या करते हैं, जला देते हैं, ताकि उससे क्या होता है, बेनिफिट मिलता है कि जो वहाँ की लैंड है वो अगली फसल के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो जाती है। साथ के साथ फार्मर को इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ आग ही तो लगानी है, उससे जल जाएगी पराली, उनका फार्मर के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए जो वहाँ का कल्चर है वो स्टबल बर्निंग का कल्चर है, पहली चीज। दूसरा, विंड की डायरेक्शन। हम सब जानते हैं विंटर के दौरान पर हमारा जो मॉनसून है वो वापस लौट रहा रहता है, सो इसीलिए जो विंड की डायरेक्शन है, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि विंड की डायरेक्शन यूजुअली नॉर्थ ईस्टर्ली हो जाती है, जिसकी वजह से जो विंड्स हैं कहीं ना कहीं दिल्ली वाले रीजन में या नॉर्दर्न रीजन में इंटरलॉक होने लगती हैं। इस वजह से भी होता क्या है कि स्टबल जो विंड है वो उसका मूवमेंट कम हो गया, चारों तरफ से इकट्ठा आकर विंड कहाँ इकट्ठा हो रही है, दिल्ली वाले रीजन में। इसलिए जितना भी पॉल्यूशन हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सब जगहों में जितना भी पॉल्यूशन हुआ वो सब कहाँ इकट्ठा होने लगा, दिल्ली में। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। वी ऑल नो जो ये टाइम पीरियड है वो ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम एक शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि पहले क्या सीजन चल रही थी समर, फिर रेनी आई, अब हम विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इस टाइम पर क्या होता है ना, टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं, पहले क्या रहता है, ग्राउंड लेवल के पास वार्म एयर रहती है, फिर कोल्ड एयर, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे कूलर एयर होती जाती है। लेकिन चूंकि अभी हम विंटर सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पर हमें देखने को मिलता है कोल्ड एयर है, उसके ऊपर वार्म एयर, फिर ऊपर कोल्ड एयर, तो कहीं ना कहीं चीजें ट्रैप हो जाती है, कोल्ड एयर इतनी ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती है, कोल्ड एयर भारी होती है एज कम्पेयर टू वार्म एयर। अगर वार्म एयर रहती है तो एयर एयर में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी पॉल्यूटेंट्स है, वो एयर अपने साथ उन पॉल्यूटेंट्स को ऊपर ले जाएगी। लेकिन चूंकि ग्राउंड लेवल पर हमें कोल्ड एयर देखने को मिलती है, सो कोल्ड एयर अपने साथ वेट लेकर के, अपने साथ ये पॉल्यूटेंट्स लेकर के ऊपर नहीं उठ सकती है। सो एक और चीज क्या हो गई, कोल्ड एयर होने की वजह से पॉल्यूटेंट सारे ट्रैप हो गए। सो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, या यूं कह लो नॉर्दर्न इंडिया वाले रीजन में पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैंने एक चीज का डिस्कशन किया था, सफर। सफर का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन सिटीज की एयर क्वालिटी को देखा जाता है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट है, उनका क्या अमाउंट है, और साथ के साथ इसके अंतर्गत हम एक LED डिस्प्ले लगाते हैं जो कि कंटिन्यूसली हमें करंट रियल टाइम डेटा को बताते हैं कि अभी की जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है। अब बात करते कुछ स्टेप्स की, आखिर इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, या रीजन जो है वो रीजन इतना मतलब रहने लायक ही नहीं बचता है, वहां की एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। सो गवर्नमेंट इन सारी चीजों को कर्ब आउट करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाती है। पहला स्टेप, गवर्नमेंट आसपास के रीजन के लोगों को जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं उनको हैप्पी सीडर प्रोवाइड करती है। एक हार्वेस्टर मशीन है, या यूं कह लो एक इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर में यूज होने का, जिसे बोला जाता है टर्बो हैप्पी सीडर। इसके द्वारा पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि पराली को फार्म में ही मिक्सअप कर दिया जाता है, उस लैंड में मिक्स कर दिया जाता है।
तो पहली चीज है फार्मर्स की मदद करना उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करके। दूसरी चीज गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है, फॉर एग्जांपल गाइडलाइंस इशू करती है कि कौन से समय पर हमें कौन सी चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल सो आई वाज डिस्कसिंग कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू करती है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है कौन कौन सी नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल वहाँ के व्हीकल्स के लिए ऑड और इवन वाली पॉलिसी स्टार्ट की जाती है कि एक दिन ऑड नंबर प्लेट वाले जो व्हीकल्स हैं वो चलेंगे, एक दिन और इवन नंबर प्लेट वाले व्हीकल्स चलेंगे। इस तरह से कई सारी चीजें करके गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कैसे भी करके पॉल्यूशन को अंडर कंट्रोल रखा जाए। साथ के साथ गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया, सफर स्कीम के अंतर्गत एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बताया जाता है। प्रीलिम्स में एयर क्वालिटी इंडेक्स से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत गवर्नमेंट 8 पॉल्यूटेंट्स को दिखाती है अपनी स्क्रीन पर कि एयर क्वालिटी के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स का कितना कंपोजिशन प्रेजेंट है। उसमें से ओजोन, PM1.2, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, ये एट ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत। ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है कि किस तरह से हम पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को अंडर कंट्रोल रख सके। सो ये था हमारा पहला न्यूज जो कि मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आने वाले समय में कंटिन्यूअसली हमें एयर पॉल्यूशन, CAQM, दिल्ली का सफर, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन सबको लेकर के कंटिन्यू हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इसलिए मैंने एक बार इस एडिटोरियल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स मिलेंगी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। तब तक के लिए आप अपने नोट्स में ये सारी चीजें को राइट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट न्यूज है, स्टालिन मीट्स मोदी, सीक्स मोर फंड्स। बेसिकली हम सब जानते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो CM है मिस्टर स्टालिन, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग अरेंज की है। इस मीटिंग के दौरान तीन चीजों पर डिस्कशन होगा। पहला चीज है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट चाहती है कि वो चेन्नई के मेट्रो रेल का सेकेंड फेज बनाना चाहती है। सो गवर्नमेंट चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करे, मतलब एक रेशियो, फॉर एग्जांपल 60-40, 50-50 के रेशियो से दोनों गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूट करें और फिर दिल्ली चेन्नई मेट्रो का रेलवर का फेज टू कम्प्लीट हो सके। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड ये है कि जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट का, उस फंड को रिलीज किया जाए। मैंने इसे कई बार डिस्कस किया है, एक बार मैं समराइज कर दे रही हूँ। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है समग्र शिक्षा अभियान, उसके अंतर्गत कई सारी चीजें गवर्नमेंट फोकस करती है। फॉर एग्जाम्पल PM राइस स्कूल हो गया, PM श्री स्कूल हो गया, या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत के कंपोनेंट्स हो गए। ये सारे कंपोनेंट समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। सो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने अभी तक अपने स्टेट में PM श्री स्कूल योजना को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट कुछ स्कूल्स को आइडेंटिफाई करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हो। इन तीनों में से किसी भी स्कूल को पहले सेलेक्ट करती है, उसके बाद उन स्कूल्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट का एम ये है कि सारे नेबरिंग एरियाज में वो स्कूल एज अ रोल मॉडल बनकर तैयार हो। सारे स्कूल्स को उस PM श्री स्कूल से चीजें सीखनी चाहिए कि आने वाले समय में या हमें न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए PM श्री स्कूल लाया गया। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट का मानना ऐसा है कि वहाँ के स्कूल्स ऑलरेडी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत फेवरेबल कंडीशंस में। जब ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं तो फिर क्यों स्टेट गवर्नमेंट को PM श्री योजना को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सॉरी, देयर वॉज सम टेक्निकल इशू बट नाउ इट्स रिजॉल्व। सो मैं डिस्कस कर रही थी कि जब ऑलरेडी तमिलनाडु गवर्नमेंट बहुत बेहतर कर रही है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन सब चीजों में काम कर लिया है,
कि वहाँ के स्कूल्स में अच्छा एनरोलमेंट बढ़ा दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, फिर क्यों कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि हमने जो काम किया है उसके आगे पीएम का नाम लग जाए। तो इसी के रिगार्डिंग तमिलनाडु की गवर्नमेंट अपने पीएम श्री स्कूल को अपने स्टेट में नहीं इम्प्लीमेंट करी है और इसी वजह से समग्र शिक्षा अभियान के फंड्स को रोक दिया गया है। ये हुए दो मुद्दे। तीसरा मुद्दा है फिशिंग को लेकर के। तमिलनाडु के जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं फिशिंग बेस्ड इकोनॉमी है। वहाँ के लोग अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए फिशिंग की तरफ ज्यादा अपना रुझाव रखते हैं। सो होता क्या है ना कि सी वाटर में कोई भी बाउंड्री नहीं बनी हुई है एकदम की डिमार्केशन की, ये इंडियन वाटर है, इसके बाद इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाता है या इसके बाद श्रीलंका का वाटर स्टार्ट हो जाता है। सो कई बार फिशरमैन्स क्या करते हैं, नेविगेट करते हुए अपनी फिशिंग एक्टिविटी को करने के लिए नेविगेट करते करते श्रीलंका के वाटर में चले जाते हैं और इस वजह से क्या होता है, कई बार श्रीलंकन आर्मी उनको नेवी पकड़ लेती है, कॉन्फिस्केट कर लेती है, वो श्रीलंका के अंतर्गत आने लगते हैं। फिर इन सारी तीन मुद्दों पर मिलकर के मोदी गवर्नमेंट और स्टालिन जी की बात होगी। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से इस जो मीटिंग है इसका रिस्पांस क्या मिला, क्या तमिलनाडु के गवर्नमेंट के फेवर में चीजें हुई हैं या फिर क्या दोनों के बीच में एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए। सो जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी मैं आप लोग को बता दूंगी। नेक्स्ट इज यूके पीएम स्टार्मर बेक्स परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर इंडिया। इस एडिटोरियल को हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है कि जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कंटिन्यूअस डिमांड चल रही है रिफॉर्म की। बात की जा रही है कि ब्राजील, इंडिया, जापान और जर्मनी, इन चार कंट्रीज को भी परमानेंट काउंसिल की मेंबरशिप प्रोवाइड की जाए। हम सब जानते हैं जो अभी का सिनेरियो है वो एक हर एक रीजन की अपनी प्रॉब्लम्स है, अपना ही इशू चल रहा है, उन सबको परमानेंट काउंसिल में रखने के लिए बात की जा रही है कि परमानेंट काउंसिल की जो मेंबरशिप है उसे बढ़ाई जाए। सो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है कि जो यूके के पीएम है स्टार्मर, उन्होंने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को बैकिंग प्रोवाइड की है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, होता क्या है ना कि जो परमानेंट काउंसिल है उसमें भी गुट बने हुए। फॉर एग्जाम्पल चाइना की जो पॉलिसीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना जो काम करता है अपने फेवर में हर चीज को करना चाहता है, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कर रखा है, साउथ चाइना सी में अपना दबदबा एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, हर जगह अपनी मोनोपोली की बात कर रहा है। सो कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि चाइना इस तरह से एक सिंगल मोनोपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़े। जिस तरह से अभी चीजें मल्टीपोलर चल रही हैं, वर्ल्ड में हर एक रीजन का अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर एक जो रीजन है वो रूल बेस्ड चीजों को करने में ध्यान रखता है, लेकिन चाइना अपना अलग ही रूट फॉलो कर रहा है। सो इसलिए बात की जा रही है, यूके ने हमारी परमानेंट मेंबरशिप को बैकिंग इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि यूके भी चाहता है कि कोई तो हो जो इन सब चीजों को काउंटर कर पाए। अगर परमानेंट काउंसिल की बात की जाए तो चाइना और रशिया दोनों एक साथ मिलकर गुट बनाकर काम करते हैं, इस साइड कौन रहता है, यूएसए, यूके और फ्रांस। सो ऐसे परमानेंट मेंबर्स में ऐसे मेंबर्स का आना भी बहुत जरूरी है जो यूएसए और यूके के साथ खड़े होके एक साथ मुद्दों पर एक वॉइस बनकर सामने उभरे। सो इसलिए जो कंट्रीज है ना, जैसे हो गया यूएसए, जैसे हो गया यूके, ये सारी कंट्रीज हमारी परमानेंट मेंबरशिप को प्रमोट कर रही है, कहीं ना कहीं हमें बैकिंग प्रोवाइड कर रही है कि हाँ आप फोर फ्रंट में आइए। नेक्स्ट इज एट यूएन मीट पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ लाइकेंस कश्मीर टू पैलेस्टीन। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, जस्ट जनरल डिस्कशन। मैं इसलिए ये एडिटोरियल डिस्कस कर रही हूँ फॉर जनरल अवेयरनेस कि यूएन की जो जनरल असेंबली की मीटिंग हुई उस दौरान पाकिस्तान के पीएम के साइड से एक स्टेटमेंट आया। उनका मानना ऐसा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है उसको उन्होंने पैलेस्टीन से कंपेयर किया है। जिस तरह से पैलेस्टीन के लोग मजबूर हैं, जिस तरह से वहां के लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहा है इसराइल, वैसे ही कंडीशन कश्मीर के लोगों की है। जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसा पाकिस्तान के प्रेस पीएम का मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फ्रीडम नहीं दी जाती है, उन पर कुछ भी इम्पोज कर दिए जाते हैं, कभी भी उनका इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है,
उनका पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, वो फ्रीली प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा पाकिस्तान के पीएम का मानना है। बट वी ऑल नो कंडीशंस आर टोटली डिफरेंट। जब से हमने आर्टिकल 370 रिमूव किया है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया है, तब से हम कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगा रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर के यूथ को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, वहाँ के टेररिज्म को कम किया जाए, टूरिज्म को बढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए, गवर्नेंस वहाँ का बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। इसको मैं एक और चीज से लिंक करती हूँ। पिछले कुछ समय में होम मिनिस्ट्री की साइड से एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंतर्गत हम लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट्स का एक्सपेंशन करने की बात कर रहे थे। अभी लद्दाख में सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल एंड ले, लद्दाख एंड ले। सो हुआ क्या कि उस चूंकि हम सब जानते हैं वहां पे हिमालयस बहुत ही लोफ्टी है, नेविगेबल एरिया नहीं है, सो गवर्नेंस कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। सो गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए हम कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स हमने नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं। सो इसी रिगार्डिंग ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ये गलत स्टेटमेंट्स हैं। और अगर डिस्कस किया जाए तो अभी हम जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस भी करवा रहे हैं। फर्स्ट पोल, फर्स्ट फेज इलेक्शन का हो गया जिसमें हमें रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर देखने को मिले। अप्रोक्स 75% के अप्रोक्स लोगों ने वोटिंग की है, अपने व्यू पॉइंट को रखा है कि आने वाले समय में कौन से रिप्रेजेंटेटिव को वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह की पॉलिसीज वो चाहते हैं। सो जो ये एक रैंडम स्टेटमेंट आया है इसका कोई ऑन ग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने इसके काउंटर में आपको अपने व्यूज बता दिए। देन नेक्स्ट इज बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन इज चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ अ झारखंड रीजन एसटी पैनल। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है यूनियन गवर्नमेंट को। उनका मानना ये है कि झारखंड स्टेट में बहुत ही बड़े लेवल पर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। वी ऑल नो झारखंड का बॉर्डर, झारखंड का जो रीजन है कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश के बहुत पास है, और झारखंड एक मिनरल रिच एरिया है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा है। सो इसलिए अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वहां पर इन्फिल्ट्रेशन हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां की जो डेमोग्राफी थी, जहां वहां पे स्केड्यूल ट्राइब के लोग एक मेजॉरिटी थे, मतलब बड़े नंबर पर प्रेजेंट थे, बट अभी क्या हो रहा है वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, जहां वहां 50% से ज्यादा, अराउंड 50% के लोग एसटी कास्ट को बिलोंग करते थे, अब वो 21-22% पे जाकर रुक गए हैं। सो इस इनफिल्ट्रेशन को देखते हुए नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब ने चिंता जताई है। एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं एनसीएसटी क्या है। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब को हमने 2004 में स्टैब्लिश किया था। आर्टिकल 338 को अमेंड करके हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा था, आर्टिकल 338A। बेसिकली पहले क्या था, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब एंड स्केड्यूल कास्ट दोनों के लिए एक ही आर्टिकल था और दोनों एक ही आर्टिकल के अंतर्गत बनाए गए थे। बट फिर उसके बाद हमने चेंजेस किए, 2004 में हमने आर्टिकल 338A बनाया जिसके अंतर्गत हमने नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब को जगह दी। बात की जाए मेंबर्स की, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और तीन अदर मेंबर्स, मतलब कि 5-मेंबर्ड बॉडी है जिसमें से कंपल्सरिली एक वुमेन होना जरूरी है। बात करें कि ये काम क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और मॉनिटर करता है मैटर्स रिलेटेड टू द स्केड्यूल ट्राइब, इंक्वायर करता है इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू, अगर किसी स्केड्यूल ट्राइब के लोगों के राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, कोई उनके राइट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब इस चीज में भी काम करता है। पार्टिसिपेट एंड एडवाइज इन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्केड्यूल ट्राइब के लोगों का डेवलपमेंट कैसे इंश्योर हो सके, क्या हमें उनके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए, इन सब को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, पार्टिसिपेट करता है, एडवाइस करता है, रिपोर्ट सबमिट करता है। जैसे कि अभी ऐसी एक रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की कि झारखंड में एसटी की पॉपुलेशन कम होती हुई नजर आ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, इनफिल्ट्रेशन। द
The president, subject to the provision of any law made by parliament, may by rule discharge any other functions relating to the protection, welfare, development and advancement of the scheduled tribe. Scheduled tribe के लोगों के welfare के लिए, development के लिए president कोई भी other functions दे सकता है इस commission को. Then next is tourism can foster global peace boost development. VP, vice president के side से एक statement आया अभी recently, world tourism day है. So उसी regarding vice president जी का मानना ये है कि टूरिज्म कहीं ना कहीं एक एरिया के ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है बल्कि उस एरिया में पीस मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल है. होता क्या है ना कि लोग उस एरिया के इन्वॉल्व रहेंगे, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे, वहाँ का रीजन चहल पहल वाला रीजन होगा तो कोई वहाँ पे फिर लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं करेगा ना. हर कोई बिजी रहेगा तो फिर लड़ेगा कौन. सो इसलिए टूरिज्म को प्रमोट करने से ना सिर्फ वहाँ की इकोनॉमिक चीजें अच्छी होती है बल्कि पीस भी वहाँ पर बढ़ता है, पीस भी मेंटेन होता है, ग्लोबल पीस भी बढ़ता है. नेक्स्ट इज नेमिंग अरुणाचल पीक आफ्टर द 6th दलाई लामा इलीगल नल एंड वर्ड. बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में वी ऑल नो हिमाचल प्रदेश का हिमालयस का एक्सटेंशन है अरुणाचल प्रदेश में. सो वहाँ की एक पीक को एक ग्रुप ने फतेह किया है. सो उनका मान उन्होंने उस पीक का नाम रख दिया है सेंग्यांग जांसो जो कि दलाई लामा 6th दलाई लामा जी का नाम है. इसी रिगार्डिंग चाइना के साइड से एक स्टेटमेंट आया कि आप इस तरह से पीक्स का नाम नहीं रख सकते. उन्होंने इसे नल एंड वॉइड और इलीगल डिक्लेयर कर दिया. नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, हमारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट था कि एक अरुणाचल प्रदेश में एक पीक है जिसका नाम है माउंटेन पीक है जिसका नया नाम दिया गया है और वो एक हिमालयस का ही एक्सटेंशन है. यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस मैंने से डिस्कस किया. नेक्स्ट इज ब्रिक्स सिग्निफिकेंट फॉर मल्टीपोलैरिटी ग्लोबल डाइवर्सिटी. जयशंकर जी से क्वेश्चन पूछे गए कि इंडिया अलग अलग रीजन्स के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स में भी है, SCO में भी है और शंघाई कोऑपरेशन हो गया या ब्रिक्स हो गया, सब में क्वाड हो गया, अलग अलग ग्रुपिंग में इंडिया इन्वॉल्व है. सो इसका रीजन क्या है. सो उनके साइड से स्टेटमेंट आया कि हर एक ग्रुपिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक एजेंडा है. इंडिया उन सबका पार्ट इसलिए है क्योंकि इंडिया को अपने अलग अलग चीजों को फुलफिल करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रिक्स को लेकर के ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया कि ब्रिक्स हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स मल्टीपोलैरिटी के लिए, ग्लोबल डाइवर्सिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ऐसे अगर क्वाड की बात की जाए तो क्वाड मैरिटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है. ब्रिक्स को डिटेल में समझते हैं तो ब्रिक्स 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप पहले था, अभी उसे और एक्सटेंड कर दिया गया है. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये हर साल मीटअप करती हैं. रिसेंटली इनकी मीटअप देखी गई थी ब्राजील रशिया में. जीडीपी में शेयर देखा जाए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 45% पॉपुलेशन इन कंट्रीज में रहती है और साथ के साथ ये जो ग्रुप है जीडीपी की बात की जाए ग्लोबल इकोनॉमी का 28% होल्ड करती है. मतलब कि क्या हुआ कि ब्रिक्स पॉपुलेशन वाइज, डेमोग्राफी वाइज, साथ के साथ जीडीपी वाइज, ग्लोबल ट्रेड में ब्रिक्स का कितना स्टेक है, सबके हिसाब से ब्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज का जो वर्ल्ड है ना वो कनेक्टेड वर्ल्ड है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है. वहां पर आप अलग थलग रह के ग्रो नहीं कर सकते हो. सो जरूरी है कि इंडिया भी इन सब सप्लाई चेन का, ग्लोबल ट्रेड का पार्ट बन पाए ताकि इंडिया की भी एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर हो पाए. अगर इनके बढ़ते एक्सपेंशन को देखा जाए तो रिसेंटली इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया, इथोपिया, इन 4-5 देशों को अभी ब्रिक्स में जोड़ने की बात की जा रही है. हालांकि इन्हें मेंबरशिप मिल गई है. आप ये मैप देख सकते हो ब्रिक्स का, पहले 5 नेशंस थे, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अब
इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया और यूएई, ये पांच नए नेशंस इनमें जोड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट इज कीप द फायर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट गोइंग। इस एडिटोरियल में डेप्थ में डिस्कस किया गया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को। द्रविड़ियन मूवमेंट भी बोला जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को। बेसिकली 1925 में पेरियार जी के द्वारा, ईवी रामास्वामी पेरियार जी के द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। पहले क्या था, जो पेरियार जी है वो INC का ही पार्ट थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट थे। बट फिर उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व की, जो INC है वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म को ही प्रमोट कर रहा है। सो उन्होंने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसे उन्होंने 1924 में स्टार्ट किया था। जो ब्राह्मणिज्म उस टाइम पे क्या था, ब्राह्मण्स का एक अलग ही दबदबा चलता था। कोई भी एक्टिविटी होती थी ब्राह्मण्स को बुलाओ। प्लस इसी चीज को प्रमोट कौन करते थे, हिंदू एलिट्स लोग। कांग्रेस में भी कौन थे, हिंदू एलिट्स। सो इसलिए पेरियार जी ने अपने आप को INC से अलग किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। उनके हिसाब से एक इंडिविजुअल की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल को अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज जो कि ब्राह्मण्स का इन्वॉल्वमेंट देख रही है, फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टार्ट किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, मतलब कि ऐसी मैरिजेस जिसमें ब्राह्मण्स को बुलाना हो उसे उन्होंने हटा दिया था। उसको हटाकर उन्होंने चालू किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, ऐसी मैरिजेस जिसमें ब्राह्मण्स का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, जिसमें हमें ब्राह्मण्स की जरूरत ही ना हो। साथ के साथ इस एडिटोरियल में बहुत डेप्थ में डिस्कस किया गया है कि किस तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने वुमेन्स को लेकर के बात कही। जो उस टाइम का जो वो टाइम पीरियड था वो वुमेन्स को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, विमेंस के फेवर में चीजें नहीं थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने प्रमोट किया इंटरकास्ट मैरिजेस, विमेंस के प्रॉपर्टी की लेकर बातें, विमेंस की रिस्पेक्ट हो, विमेंस को भी इक्वल राइट मिले, विमेंस अपनी मर्जी से शादी करें, विडो रीमैरिजेस हो गई, इन सारी चीजों पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने फोकस किया था। आज की डेट में इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को 99 साल हो चुके हैं, बट आज की डेट में भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उनका मानना ये है, इस एडिटोरियल का मानना ये है कि उस समय की जो भी बुराइयां थी, विमेन्स हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, उन सबको हटा करके, उन सबको हटाने की बात की गई थी। सो आज के सिनेरियो में आज की जो प्रॉब्लम है वो अलग है, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को रिवाइव करना चाहिए। आज की डेट में कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर के, LGBTQ हो गए, अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। सो हमें जरूरत है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको बरकरार रखें, उसका नया वर्जन 2.0 या यूं कह ले 3.0 लॉन्च करें, और जो कि आज की प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए। देन नेक्स्ट इज रशियाज जियोपॉलिटिकल पाइवट टू एशिया। बेसिकली इस एडिटोरियल में इंडिया और रशिया के ट्रेड को लेकर के बात किया गया है। हम सब जानते हैं 2020 जब अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, सो यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया को बॉयकट कर दिया। रशिया से ना तो वो ट्रेड करने को इंटरेस्टेड थे, ना ही एक्सचेंजेस करने को इंटरेस्टेड थे। सो वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया को साइडलाइन कर दिया। बट आज का जो रशिया है, या यूं कह ले आज का जो वर्ल्ड है, जो आज की कंट्रीज है, वो सिंगल सर्वाइव नहीं कर सकती है। उन्हें कनेक्टिविटी चाहिए, उन्हें रिलेशंस चाहिए, तब जाके वो सर्वाइव कर पाते हैं। इसी रिगार्डिंग एडिटोरियल आया है कि रशिया यूक्रेन के समय पे जहां एक जगह घाटा हुआ कि रशिया को कट ऑफ कर दिया गया, वहीं एक अपॉर्चुनिटी आई इंडिया के लिए। मतलब कि जो चीजें सालों में अचीव नहीं हो पाई, हमारी फ्रेंडशिप रशिया के साथ बहुत पुरानी है, हम कंटिन्यूसली पैक्ट साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। हमारे जो पहले के भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रशिया से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं। सो इन सब के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि जो चीज इतने सालों में नहीं हो पाई वो अब हो गई। मतलब कि जो इंडिया और रशिया का ट्रेड है वो इतने गजब के रेट से बढ़ा है अगर देखा जाए तो,
पहले जो ट्रेड लिमिट था 3.5 बिलियंस में, वो महज 2-3 सालों में 7.5 बिलियंस तक पहुंच गया है। दोनों कंट्रीज ने गजब का ट्रेड किया है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम हो गया, एक्सचेंजेज हो गया, कई सारी चीजों को मिलकर दोनों कंट्रीज ने ट्रेड किया है। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रशिया विजिट पर थे, उन्होंने वहां के हेड से अपनी मीटअप की। उस दौरान एक स्टेटमेंट आया कि अब दोनों कंट्रीज इस बायलेटरल ट्रेड को और बढ़ाएंगी और इसे 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की बात की जा रही है। लेकिन कई सारे इश्यूज हैं जिन्हें रिजॉल्व करने की जरूरत है, तब जाके हमारे जो आकांक्षाएं हैं, हम जो चाहते हैं कि हमारा ट्रेड इतना बढ़ सके, वो पॉसिबल हो पाएगा। पहले जो प्रॉब्लम है वो ये है, लैक ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज अपने लोकल्स को ज्यादा प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हम रशियन गुड्स को उतना ज्यादा वेलकम कर सकते हैं? नहीं। वैसे ही रशिया में भी रशिया की इंडस्ट्रीज, वहां के डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट करने की बात की जा रही है। सो पहला चीज, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट्री है। सेकेंड इज द सेंक्शन रिजाइम लिमिट्स अपॉर्चुनिटी ओवरकम ट्रेड इम्बैलेंसेस। सेंक्शंस लगाए जाते हैं एक दूसरे के गुड्स के ऊपर, कभी क्वालिटी चेक को लेकर, कभी टैरिफ को लेकर, अलग अलग चीजों के थ्रू सेंक्शंस लगाए जाते हैं। बट द कंट्रीज लैक अ स्टेबल पेमेंट मैकेनिज्म। साथ के साथ दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे कि एक पेमेंट मैकेनिज्म नहीं है। जैसे कि हमारी कंट्री में कनाडा के जो बैंक्स हैं वो वर्क करते हैं, यूएसए के बैंक्स वर्क करते हैं। सो दोनों कंट्रीज का पेमेंट मैकेनिज्म इंटरकनेक्टेड है, बट वैसे ही रशिया के बैंक्स और इंडिया के बैंक्स के बीच में कोलैब नहीं है। सो एक सिक्योरिटी नहीं रहती है कि अगर आप बड़े बड़े ट्रेड साइन कर रहे हो, उनकी गारंटी कौन लेगा? पहला चीज पेमेंट मैकेनिज्म, दूसरा चीज ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स है जो दोनों के बायलेटरल ट्रेड को बढ़ाने में एज अ हर्डल काम करती है। द थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। रशिया इंडिया में गुड्स की तो बात करता है, बट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की बात नहीं करता है। फाइनली कॉपरेशन इन साइंस एंड एजुकेशन डज नॉट हैव द डिजायर्ड पेस ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया की जो स्टेम है, फॉर एग्जाम्पल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इंडिया इस चार सेक्टर्स में बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन रशिया और चाइना का इन दोनों चीजों में भी कॉपरेशन नहीं है। सो अगर हम चाहते हैं 2030 तक दोनों कंट्रीज की जो बायलेटरल ट्रेड है वो बढ़कर 100 बिलियन तक पहुंच जाए, तो हमें जरूरत है कि पहले हम इन सारे ऑब्स्टेकल्स को, इन हर्डल्स को दूर करें, पेमेंट मैकेनिज्म बनाए, दोनों को कॉम्प्लीमेंट करें, कंट्रीज एक दूसरे का सपोर्ट करें, तब जाके हमारे बायलेटरल ट्रेड इतनी ऊंचाइयों को टच करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेइंग इन द कोर्स। ये जो एडिटोरियल आया है, अगेन ये पॉल्यूशन को लेकर के आया है। दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उन सब चीजों को लेकर के आया कि गवर्नमेंट स्टेप्स तो उठाती है, बट स्टेप्स टेकिंग ओनली स्टेप्स इज नॉट सफिशियंट। जरूरत है कि हम उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करें। फाइनेंशियल जब तक स्टेप सिर्फ अनाउंस करने से काम नहीं होता है, हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत रहती है। जिस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि फाइनेंसर्स को भी सैंक्शन किया जाए ताकि स्टेप्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। नेक्स्ट इज जीएसटी काउंसिल सेटअप, GOM, ऑन कंपनसेशन सेस। जब हमने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था तो हमने बात की थी कंपनसेशन सेस की। होता क्या है कि स्टेट्स ने अपने टैक्स कलेक्शन को कम किया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी आपको जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी आपका रिवेन्यू लॉस होगा, आपके रिवेन्यू में कमी आएगी, उसका कंपनसेशन गवर्नमेंट करेगी। ये तय था कि 2022 तक सिर्फ ये कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कोविड ईयर्स आ गए, इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई, स्टेट्स को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, इन सारी चीजों को देखकर कंपनसेशन का पीरियड बढ़ा दिया गया। अब बोला गया है कि हम 2026 तक कंपनसेशन देंगे। उसी रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल ने एक मिनिस्टर्स की मीटिंग, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया है,
जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि जो हमें स्टेट्स को कंपनसेट करना है उसमें से हम सेस उसको हम कहाँ से कलेक्ट करें लग्जरीज गुड पर, और कितना सेस बढ़ाएं या और कितना टैक्स बढ़ाएं ताकि हम स्टेट्स को कंपनसेट प्रोवाइड कर पाए. नेक्स्ट इज बोर्सेस डिफर टी प्लस जीरो सेटलमेंट पायलट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स. बेसिकली होता क्या है ना कि गवर्नमेंट ने सेबी ने रेगुलेशन रूल लाया था जैसे बोला जाता है टी प्लस जीरो. टी मतलब कि ट्रांजेक्शन बिल. होता क्या है जो दो स्टेक होल्डर्स है, सपोज मुझे अपना शेयर बेचना है, आपको मेरा शेयर परचेस करना है. सो ये जो शेयर बेचना और परचेस करने के बीच में जो टाइम पीरियड होगा, मैंने सेल कर दिया लेकिन आपने मेरी पेमेंट की या नहीं की, वो जो टाइम पीरियड है उसे बोला जाता है सेटलमेंट पीरियड. सो बात की जा रही है कि ये सेटलमेंट पीरियड को घटाकर जीरो कर दिया जाए. मतलब उसी दिन अगर मैं बेच रही हूँ तो उसी दिन ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए, मेरे साइड से आपको शेयर पहुंच जाना चाहिए, आपके साइड से पैसा मेरे पास आ जाना चाहिए. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मान लो इस ये जो सेटलमेंट पीरियड है इसे बढ़ाया जाता था तो कहीं ना कहीं फ्रॉड बढ़ रहे थे. लोग शेयर्स तो ले लेते थे बट पैसा नहीं देते थे, उसे प्रॉफिट के हिसाब से अरेंज करके फिर पैसा देते थे. सो इसी रिगार्डिंग एक स्टेप उठाया गया टी प्लस जीरो, मतलब कि उसी दिन आपको ट्रांजेक्शन करना है, उसी दिन आपको सेटलमेंट करना है. लेकिन कई सारे फॉरेनर्स ने इस चीज को बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेमेंट करने में उन्हें थोड़ा तो टाइम पीरियड चाहिए. सो इसी रिगार्डिंग जब से ये टी प्लस जीरो स्टार्ट किया गया है इसमें इसे पायलट बेसिस पर स्टार्ट किया गया बट अभी तक इसमें सेटलमेंट नहीं हुए हैं. नेक्स्ट इज प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट इज भगत सिंह जी. रिसेंटली भगत सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, इस रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. भगत सिंह का जो बर्थ है वो पाकिस्तान के बागा गांव लैलपुर में हुआ था. 1907 में इनका जन्म हुआ था. इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है. इन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई थी. सेंट्रल असेंबली में एक बिल पास हो रहा था जिसका जिसको लेकर के कंटिन्यूसली लोगों के बीच में आक्रोश था. वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो. सो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने भगत सिंह जी ने बॉम्ब भी फेंका था. उनका एम सिर्फ इतना था कि लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे, जो लेजिस्लेटर्स हैं जो ये रूल बना रहे हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचे कि हम ऐसे लॉ को वेलकम नहीं करना चाहते. उनका मकसद बिल्कुल नहीं था कि किसी को भी इस बॉम्ब से कुछ भी नुकसान पहुंचे, पहली चीज. दूसरा चीज, उन्होंने अपने लाइफ टाइम पे काकोरी कांड में उनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया था, फिर बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री में उनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया था. इन सब के चलते उनके खिलाफ कई सारे केसेस चल रहे थे एंड अल्टीमेटली उन्हें 1931 में फांसी की सजा दे दी गई थी. उनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो उनकी बुक है वाई आई एम एन एथिस्ट, ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कोर्स, जेल नोटबुक एटसेट्रा. नेक्स्ट इज ग्लोब, दैट इज ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज. बेसिकली ये एक ग्लोब एक इनिशिएटिव है जो कि एंटी करप्शन को लेकर के बात करता है. कंट्रीज ग्लोबल लेवल पर, मतलब कि अगर कुछ चीज़ें ट्रांसनेशनल हो रही है, एक नेशन से दूसरे चीज़ें में ट्रेड हो रहा है, उस समय पर करप्शन को रोकने के लिए ग्लोब बनाया गया. रिसेंटली इंडिया को इसकी कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया. इंडिया इज इलेक्टेड टू स्टीयरिंग कमेटी ऑफ ग्लोब. ग्लोब का फुल फॉर्म याद रखना प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज. ग्लोब को सुन करके हमें ऐसा लग रहा है कि ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन या पॉल्यूशन से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, बट नहीं. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, ये एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज का पार्ट है. इसके मेंबर्स 121 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि काम करती हैं करप्शन केसेस को कम करने के लिए. इंडिया की साइड से सीबीआई और ईडी इन्हें असिस्ट करती है. नेक्स्ट इज के कस्तूरी रंजन. के कस्तूरी रंजन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है. के कस्तूरी रंजन एक कमेटी है जिसे
वेस्टर्न घाट में इको सेंसिटिव जोन को डिमार्केट करने के लिए बनाया गया था। इको सेंसिटिव जोन क्या रहता है? कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, चाहे नेशनल पार्क हो गए, उस प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास का 10 किलोमीटर का जोन इको सेंसिटिव जोन कहलाता है। उस जोन में हमें एकदम एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए जो कि उस रीजन को निगेटिवली इम्पैक्ट करे, जैसे कि माइनिंग नहीं करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज नहीं लगानी चाहिए। सो इन सब चीजों का ही सर्वे करने के लिए के कस्तूरी रंजन कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने वेस्टर्न घाट के 37% रीजन को डिमार्केट किया कि इतने रीजन को हमें इको सेंसिटिव जोन बनाना चाहिए। उन्होंने इस रीजन पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि आप यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी, माइनिंग हो गई, क्वेरिंग हो गई या इंडस्ट्री हो गई, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें ना करें। इससे रिलेटेड मैं एक और डिस्कस करना चाहूंगी, एक गडगिल कमेटी भी बनाई गई थी जो कि वेस्टर्न घाट के इको सेंसिटिव जोन को ही डिमार्केट करने के लिए बनाई गई थी, बट उन्होंने 100% जोन को डिमार्केट कर दिया था कि पूरा जो रीजन है वो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है, वहां पर कंप्लीट बैन कर दिया था। सो बाद में फिर से हमने कस्तूरी रंजन जी की कमेटी बनाई और उनसे रिकमेंडेशंस पूछे। नेक्स्ट इज चाइना टेस्ट फायर्ड ICBM इनटू पैसिफिक ओशन फॉर द फर्स्ट इंडिकेट्स। ICBM दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक मिसाइल है जो कि 5500 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकती है, मतलब कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में भी अटैक कर सकती है, पहली चीज। दूसरी, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी रहती है ना जो, मतलब कि पहले हमने जैसे ने रिलीज किया, ये एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, फिर एटमॉस्फेयर में वापस से एंटर करके फिर अटैक करती है। इन्हें बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। सो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा टाइप रहता है मिसाइल का, वो क्रूज रहता है। वो मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती है, वो लैंड के पैरेलल इस तरह से अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करती है। ये है क्रूज मिसाइल और ये है बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जिसका नाम है Agni-5। नेक्स्ट इज भारत 6G अलायंस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने 6G को प्रमोट करने के लिए भारत 6G अलायंस बनाया था, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली हम एफर्ट लगाएंगे 5G की एडवांस्ड और 6G टेक्नोलॉजीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इंडिया में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि 6G टेक्नोलॉजी प्रमोट हो। देन नेक्स्ट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं। हुआ क्या था, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उस दौरान ऐसा एक एक्ट लाया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो रीजन्स डिस्टर्ब्ड थे, जहाँ पे लॉ एंड इन्फोर्समेंट, लॉ को नहीं इन्फोर्स किया जा पा रहा था, उन्हें डिस्टर्ब्ड रीजन घोषित कर दिया जाता था और वहां पर सेंट्रल आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया जाता था। सिमिलरली एक एक्ट बनाया गया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसके अंतर्गत कोई भी रीजन जहाँ पे लॉ नहीं, जो जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो किए जा रहे, जो रीजन डिस्टर्ब्ड है, वहां पर सेंट्रल आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया जाता है। उन्हें बहुत ही ज्यादा यूं कह लें कि सेफ हार्बर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि वो लोग को अथॉरिटी रहती है, पावर रहती है कि वो पहले किसी पर्सन को वार्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप ये एक्टिविटी मत कंडक्ट करो। अगर वो पर्सन नहीं मान रहा है उस चीज को, तो वो उस पर्सन को फायर भी कर सकते हैं, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। स्टिल जो आर्म फोर्स का पर्सनल होगा उसे सेफ्टी दी जाएगी, मतलब कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन नहीं उठा सकती है। सो सिमिलरली नागालैंड वाले रीजन में 6 मंथ्स के लिए आफ्सपा को बढ़ा दिया गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़े रहने के लिए ज्वाइन करिए Exact IAS। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।